कर्नाटक में मतदान को अब एक हफ्ता भी नहीं रह गया है और कांग्रेस ने इन चुनाव से काफी उम्मीदें लगा रखी हैं। एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने चुनाव से जुड़े हर मसले पर बात की। डीके शिवकुमार ने चुनावी मुद्दों पर बात करते हुए कहा, बीजेपी शासित कर्नाटक के अंदर मुद्दों की कोई कमी नहीं है। करप्शन, महंगाई, बेरोजगारी ने आम लोगों की जिंदगी दयनीय बना दी है। बीजेपी के मंत्री और विधायक किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर काम के लिए 40% कमीशन लेते हैं। शर्मनाक तरीके से वो अपने लालच को पूरा करने के लिए आम लोगों को लूट रहे हैं। कुकिंग तेल, सब्जी जैसी चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। युवाओं को बेहतर नौकरी देने में बीजेपी सरकार विफल रही है। ऐसे में हमारे सामने आम लोगों की जिंदगी से जुड़े कई मुद्दे हैं जिन पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री के धुआंधार प्रचार पर डीके शिवकुमार ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी कितना भी कैंपेन करें उसका असर चुनाव पर पड़ने वाला नहीं है। यहाँ स्थानीय और विकास से जुड़े दूसरे मुद्दे हैं। लोग पहले से मन बना चुके हैं कि इस बार बीजेपी को यहाँ से हटाना है। मुझे इस बात की जरूर खुशी है कि पीएम मोदी ने कांग्रेस की गारंटी स्कीम को गंभीरता से देखा है और उस पर बात कर रहे हैं। ये बीजेपी मैनिफेस्टो की तरह नहीं है। हमारा रिकॉर्ड वादों को पूरा करने वाला रहा है, लेकिन लगे हाथ बीजेपी का पिछले चुनाव वाला घोषणा पत्र भी देखना चाहिए। उसी से पता चल जाएगा कि यहाँ डबल इंजन की सरकार किस तरह फेल हुई है। इसके अलावा कांग्रेस की 5 गारंटियों के लिए फंड के सवाल पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, कांग्रेस का गारंटी कार्ड लोगों को महंगाई, गरीबी के चक्र से निकालने के लिए है। हमने इन वादों को राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पूरा किया जहां हमारी सरकारें बनी। हम इन वादों को पूरा करने के लिए संसाधन वितरण नए सिरे से देखेंगे। हमने पहले भी ऐसे वादे पूरे किए हैं और आलोचकों को जवाब दिया है। कांग्रेस के सीएम फेस पर बात करते हुए शिवकुमार ने कहा, मेरे लिए पार्टी सबसे पहले आती है और सीएम का पद बाद में। मेरी पहली प्राथमिकता कर्नाटक में पार्टी को पूर्ण बहुमत की जीत दिलाना है। इसके बाद पार्टी जो निर्णय लेगी मैं उसका पालन करूंगा। घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन का जिक्र करने पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को बजरंग बली विरोधी बताया। इसे लेकर डीके शिवकुमार ने कहा, लोग पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी ने उनकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए काम किया। बीजेपी ना युवाओं को जवाब दे पा रही है और ना गृहिणियों को। आम लोगों को किसी मोर्चे पर कोई राहत नहीं मिली है। अब जब लोग उनसे सड़क पर तीखे सवाल कर रहे हैं तो समाज में भड़काऊ भाषण से विभाजन पैदा करना चाहते हैं, लेकिन ये हथकंडा कर्नाटक में नहीं चलेगा। हम आश्वस्त हैं कि कांग्रेस 140 से ज्यादा विधानसभा सीटें जीत कर आएगी और बीजेपी 60 सीटों के अंदर सिमट जाएगी। इस बार कर्नाटक में कांग्रेस बड़े बहुमत से जीत कर सरकार बना रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।